वेलकम फ्रेंड, आज मैं आपके लिए फिर से न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज मैं कुछ पॉपुलर वोल्टमीटर को दिखाऊंगा एंड इसका कनेक्शन, फीचर्स, इसका प्राइस सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। इस वीडियो पे चल रहा है गिव अवे। अगर आपको यह 4 चैनल रिमोट कंट्रोल सर्किट जीतना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए और एक कॉमेंट कीजिए। इस तरीके से आप इस 4 चैनल रिमोट कंट्रोल सर्किट बोर्ड को जीत सकते हो। चलिए वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ पे है 5 अलग अलग LED वोल्टमीटर, 4 है DC वोल्टमीटर एंड 1 है AC वोल्टमीटर। तो चलिए एक एक करके सभी वोल्टमीटर को देख लेते हैं। यह है सबसे छोटा LED वोल्टमीटर एंड यहाँ पे है 3 वायर। इसका डायमेंशन का मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस क्लिपर से इसका साइज को दिखाऊंगा जो अभी मिलीमीटर पर सेट है। यहाँ पे है 2 माउंटिंग होल स्क्रू से किसी भी पैनल पे सेट करने के लिए। बैक साइड पे है एक ट्रिमिंग पोटेंशियोमीटर। इसको रोटेट करके वोल्टेज को कैलिब्रेट किया जाता है। मतलब अगर LED डिस्प्ले पे वोल्टेज गलत दिखाता है तब इसको एडजस्ट करके सही वोल्टेज को सेट किया जाता है। एंड यहाँ पे है 3 वायर, येलो, रेड एंड ब्लैक। ब्लैक वायर कॉमन वायर मतलब नेगेटिव पे कनेक्शन होगा। रेड वायर से वोल्टमीटर को सप्लाई देना होगा एंड इस वोल्टमीटर को मिनिमम 3 वोल्टेज सप्लाई देना होगा। एंड येलो वायर से आप वोल्टेज को देख सकते हो। अभी मैं सब कुछ करके दिखाता हूँ एंड यहाँ पे इस मल्टीमीटर को यूज कर रहा हूँ एक्चुअल वोल्टेज को दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे मेरा पावर सप्लाई यूज कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। एंड आप मल्टीमीटर पे देख सकते हो यहाँ पे है 4.97 वोल्ट। मैं यहाँ पे ब्लैक वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ नेगेटिव पे, रेड वायर को पॉजिटिव पे कनेक्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कनेक्ट करते यहाँ पे डिस्प्ले पे 0.0 वोल्टेज दिखा रहा है क्योंकि अभी तक मैंने येलो वायर को कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि येलो वायर से ही वोल्टेज को मेजर किया जाता है। एंड जैसे ही मैं येलो वायर को पॉजिटिव पे कनेक्ट कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है डिस्प्ले पे 4.80 वोल्ट। एंड आप यहाँ पे बहुत कम वोल्टेज मतलब 1 वोल्ट या 0.50 वोल्ट भी इस वोल्टमीटर पे मार सकते हो। यहाँ पे जो वोल्टेज दिखा रहा है 4.80 वोल्ट, ये एकदम एक्यूरेट वोल्टेज नहीं है, तो इसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। इसका बैक साइड में जो पोटेंशियोमीटर है इसको रोटेट करके इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। आप इस तरीके से इसको कैलिब्रेट कर सकते हो। मार्केट पे सेम और एक वोल्टमीटर मिलता है लेकिन उस वोल्टमीटर पे सिर्फ 2 वायर होता है, ब्लैक एंड रेड। डिफरेंस कुछ नहीं है, पावर एंड मेजरमेंट वायर दोनों को एक साथ सोल्डर करके सिंगल वायर से सप्लाई देना पड़ता है। अलग से कोई मेजरमेंट वायर को कनेक्ट नहीं करना पड़ता। एंड इसका मिनिमम 3 वोल्ट सप्लाई देना पड़ता है लेकिन प्रैक्टिकली 2.5 वोल्ट पे भी ये वर्क करता है। एंड इस मिनी वोल्टमीटर का प्राइस आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इसका प्राइस कितना है। इसका प्राइस में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है क्योंकि इसको मैं बहुत दिन पहले खरीदा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वोल्टमीटर को देख लेते हैं। इस वोल्टमीटर पे वोल्टेज एंड करंट दोनों एक साथ देख सकते हो। बैक साइड पे है एडजस्ट करने के लिए पोटेंशियोमीटर, एक है करंट को एडजस्ट करने के लिए एंड दूसरा है वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे है 2 सॉकेट्स, इससे आप वोल्टेज को मेजर कर सकते हो एंड इससे आप करंट को मेजर कर सकते हो। तो चलिए इसका साइज को देख लेते हैं। एंड वोल्टमीटर के साथ ये दोनों वायर मिलेगा कनेक्शन करने के लिए। वोल्टेज को देखने के लिए यहाँ पे भी है ब्लैक, रेड एंड येलो वायर। मैं यहाँ पे ब्लैक को नेगेटिव पे और रेड को पॉजिटिव पे कनेक्ट कर रहा हूँ, अभी येलो वायर को कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सप्लाई को ऑन करने के बाद आप देख सकते हो वोल्टमीटर पे पावर आ चुका है लेकिन अभी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे सब 0.0 शो हो रहा है क्योंकि अभी तक मैंने मेजरमेंट वायर को कनेक्ट नहीं किया है। एंड जैसे ही मैं येलो वायर को पॉजिटिव पे कनेक्ट कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज शो हो रहा है। अब इस ब्लैक एंड रेड वायर से करंट को माप के दिखाऊंगा। ब्लैक वायर को नेगेटिव पे कनेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कनेक्शन को थोड़ा अच्छे से कर लेता हूँ नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा।
एंड यहाँ पे मैं 56 ओम रेजिस्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ एज ए लोड। पॉजिटिव कनेक्शन होगा सप्लाई की पॉजिटिव से एंड नेगेटिव होगा वोल्टमीटर की थिक रेड वायर से। एंड आप देख सकते हो मैं जैसे ही लोड को कनेक्ट कर रहा हूँ एलईडी डिस्प्ले पे करंट शो हो रहा है। एंड यहाँ पे अप टू 10 एम्पीयर करंट तक आप यहाँ से माप सकते हो, लेकिन ज्यादा करंट का भी मीटर आता है मेरे पास जो है वो सिर्फ 10 एम्पीयर तक ही माप सकता है। मतलब लोड का कनेक्शन होगा एक होगा सप्लाई की पॉजिटिव से एंड दूसरा कनेक्शन आएगा वोल्टमीटर की इस थिक रेड वायर से। तो चलिए इसका कंप्लीट सर्किट बोर्ड को देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 डिजिट का 2 अलग अलग 7 सेगमेंट डिस्प्ले। बैक साइड पे है कुछ SMD IC रजिस्टर कैपेसिटर एंड IC का नंबर कंपनी के हिसाब से इरेज कर दिया गया है, इसका कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है। इस वोल्ट एंड एम्पमीटर का प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो। चलिए आप नेक्स्ट वोल्टमीटर को देख लेते हैं। ये जो वोल्टमीटर है ये पहले की तरह सेम वोल्टमीटर है, इसका भी कनेक्शन सब कुछ सेम होगा। इस मीटर से भी आप वोल्टेज एंड करंट को दोनों को एक साथ माप सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी है 2 एडजस्टेबल पोटेंशियोमीटर, लेकिन डिस्प्ले अलग है क्योंकि यहाँ पे है 4 डिजिट। तो चलिए इसका साइज को देख लेते हैं। एंड इसका कनेक्शन भी सेम होगा। पावर देने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले पे वोल्टेज शो हो रहा है, लेकिन कैमरा पे यहाँ पे डिस्प्ले ब्लिंकिंग हो रहा है। असलियत पे ऐसा ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, ये स्टेबल है, सिर्फ कैमरा पे ब्लिंकिंग होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे करंट 0 शो हो रहा है क्योंकि अभी तक मैंने लोड को कनेक्शन नहीं किया है। अगर आपको वैल्यू गलत दिखा रहा है तो आप इस 2 पीसेस को एडजस्ट करके सही वैल्यू को सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेम रजिस्टर कनेक्ट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हो आप करंट डिस्प्ले पे शो हो रहा है। तो चलिए इस वोल्टमीटर का आप सर्किट बोर्ड को देख लेते हैं। यहाँ पे है 2 4 डिजिट का 7 सेगमेंट डिस्प्ले एंड बैक साइड पे है कुछ IC रेजिस्टेंस, सब कुछ सेम। यहाँ पे भी IC नंबर नहीं है एंड इस मीटर का प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड फाइनली और एक DC वोल्टमीटर को देख लेते हैं। ये है हाई प्रिसीजन वोल्टमीटर, आप इससे बहुत स्मॉल वोल्टेज को भी माप सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे है 4 डिजिट डिस्प्ले। इस मीटर से आप सिर्फ वोल्टेज को माप सकते हो, करंट को नहीं माप सकते हो। एंड इसका भी बैक साइड पे है एक SMD प्रीसेट, इसको एडजस्ट करके आप करेक्ट वोल्टेज को सेट कर सकते हो। चलिए इसका साइज को देख लेते हैं। अब इसको चेक करके दिखाता हूँ। इस वायर का अभी जरूरत नहीं है क्योंकि इससे आप सिर्फ वोल्टेज माप सकते हो। एंड इसका भी कनेक्शन सब कुछ सेम ही होगा। सप्लाई को ऑन करते ही आप देख सकते हो वोल्टमीटर पे वोल्टेज शो हो रहा है। मल्टीमीटर पे आप देख सकते हो लास्ट 2 डिजिट दिखा रहा है, लेकिन LED वोल्टमीटर पे लास्ट 3 डिजिट दिखा रहा है। मतलब बहुत स्मॉल वोल्टेज को भी आप ऐसे देख सकते हो। अगर मैं ये वायर का डिस्कनेक्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0-0 शो हो रहा है, जहाँ पे बहुत कम वोल्टेज है। इस वायर को वहाँ पे कनेक्ट करके बहुत कम वोल्टेज को भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे मेरा पावर सप्लाई से वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ एंड आप देख सकते हो दोनों मीटर पे वोल्टेज इंक्रीज हो चुका है। तो चलिए आप इस वोल्टमीटर का सर्किट बोर्ड को देख लेते हैं। बैक साइड पे वही सेम चीज है, SMD कंपोनेंट्स। सर्किट बोर्ड में ज्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिलेगा। यही है 4 DC LED वोल्टमीटर एंड यहाँ पे है एक AC वोल्टमीटर, जिसको आप डायरेक्टली 220 वोल्ट AC पे कनेक्ट करके वोल्टेज को देख सकते हो। इस वोल्टमीटर को आप शायद मेरे वीडियो पे पहले देख चुके हो, इसको एक बार मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ। चलिए इसका साइज को देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेम वोल्टमीटर यहाँ पे माउंटेड है एंड मैं यहाँ पे 220 वोल्ट AC को कनेक्ट कर रहा हूँ।
आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज शो हो रहा है 204 वोल्ट। आप 20 वोल्ट मीटर को कनेक्ट करके देखते हो कितना वोल्टेज दिखाता है। स्विच ऑन करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी दिखा रहा है 205 वोल्ट, मतलब सब कुछ सेम ही दिखा रहा है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। इस एसी वोल्ट मीटर का एक डिटेल्स वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ मेरे चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो पे मैं सब टेस्ट, सर्किट, डिस्प्ले सब कुछ डिटेल्स में दिखाया हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, एंड इसका प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बस यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।